ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पांसिबली। बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश की तबीयत खराब हुई। जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है खिलाड़ी के तौर पर, जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं और पूरे वतन की उम्मीद आपसे जुड़ी होती है। जाहिर तौर पर एक बड़ा सेटबैक यहां पर विनेश के लिए, अस्पताल में अब भर्ती कराना पड़ा है। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद विनेश की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। नितिन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नितिन, क्या खबरें मिल रही हैं? अस्पताल में विनेश को भर्ती कराया गया है? जी बिल्कुल, विनेश फोगाट को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि वो लगातार पिछले पूरी रात ना ही उन्होंने कुछ खाया था, ना ही उन्होंने कुछ पिया था, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेट हो गई थी और उनको आईवी की ज़रूरत थी। वो रेकमेंड जो कि वहाँ पे टीम डॉक्टर जो विनेश के साथ मौजूद है रेसलिंग की पूरी टीम में, उन्होंने ये इमिडिएटली रेकमेंड किया कि विनेश जो कि फेंट भी हो गई थी, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि उनको फेंट हो गई थी वो, और जिसकी वजह से उनको तत्काल जो है वहाँ से रेसलिंग के अरेना से जहाँ पर उनका वेट चेक किया जा रहा था वहाँ से इमिडिएटली उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। ये अभी खबर आ रही है पेरिस से और ये सोर्सेज के जरिए हमें खबर मिली, जो सूत्र है वो हमें बता रहे हैं कि लगातार विनेश जो है वो ये कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि उनका वेट जो है वो ज़्यादा हो गया है, उसको कम करने की जो लगातार कोशिश होती, क्योंकि वो कल जैसे ही उन्होंने अपना सेमीफाइनल मैच जीता था उसके बाद से उन्होंने ये तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको पता था कि कल सुबह उनका वेट चेक किया जाएगा। इसी वजह से वो स्किपिंग कर रही थी, वो ट्रैकिंग कर रही थी, वो जॉगिंग कर रही थी, वो पानी नहीं पी रही थी, वो खाना उन्होंने उनको नहीं खाया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन था वो ज़्यादा हो गया और उसकी इमिडिएटली बाद उनको तत्काल जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई बार नितिन ये देखा जाता है और मेडिकल साइंस ने भी माना है कि आपके बॉडी में अगर सॉल्ट लेवल्स कम हो जाएं तो आपका वजन कम आता है। विनेश ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी रात वो सोई नहीं, उन्होंने साइकिलिंग की, जॉगिंग की, जो भरसक कोशिश हो सकती है वो उन्होंने की, लेकिन इसके बावजूद वजन नहीं कम हुआ। अब उनके परिवार वालों में उनके चाचा ये उम्मीद जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी राहत की उम्मीद की जा सकती है। राहत कैसे मिल सकती है? क्या कोई उम्मीद है अभी भी? देखिए, उम्मीदें तो आप कह सकते हैं कि जिंदा हो सकती हैं, लेकिन इसका चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑफिशियली जो हमारा इंडियन कॉन्टिजेंट है वहाँ पर, उसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि विनेश फोगाट को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है 50 किलो भार में। अब रास्ते क्या हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने भी पीटी उषा जो कि आयोग की प्रेसिडेंट है वहाँ पे पेरिस में मौजूद है, उनसे बातचीत की है और उन्होंने बोला है कि आप सभी ऑप्शंस को देखिए कि भारत किस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकता है IOC में जाकर इस डिसीजन के खिलाफ। मुझे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स हैं IOC के, उसके हिसाब से ये बहुत नॉमिनल चांस है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर एक प्रॉपर जो है अपील लॉन्च की जाए, प्रोटेस्ट किया जाए और उसमें एक्सप्लेनर मांगा जाए कि भाई क्या है, किस तरीके से ये डिसीजन लिया गया विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने का, हो सकता है वहाँ पर अगर कुछ ऑन टेबल कुछ बात हो, वहाँ से कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर हो सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, डिप्लोमेटिक तौर पर अगर कुछ बातें आगे बढ़ें, वहाँ पर ये तफसील से जानकारी ली जाए कि पहले दिन जब विनेश फोगाट का वेट चेक किया गया था उस दिन 50 था, आज जब फाइनल बाउट के पहले विनेश फोगाट का वेट चेक किया गया वो 50 से ऊपर था, तो वहाँ से कुछ जानकारी ऐसी मिला था फाइनल का, उसके पहले डिस्क्वालीफाई होना ये बहुत बड़ी क्षति है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।